से पहले देशभक्तों की आवाज दबाने का काम नहीं होता था यहां पर संद 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 जो गरीब लोग हैं वो कैसे अपने विधायक से मिलने जाएंगे वो कैसे अपने काम करवाएंगे नहीं तो विधायक पहले मिला करता था लोगों से डर क्यों रहे इलेक्शन में डिलिमिटेशन में क्यों ये जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अपनी टांग वहाँ ऐसा तो नहीं है कि ये जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि धारा तीन सौ सत्तर भी हटाई उसके बाद अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है ऐसा तो नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान को षड्यंत्र रच रहा था और उस उनकी चालों को विफल करने के लिए सारी प्लानिंग सत्तर से पहले देशभक्तों की आवाज़ दबाने का काम नहीं होता था यहाँ पर लेकिन आपकी पार्टी के अंदर विरोधाभास बहुत है कोई कह रहा है जी मीर साहब जो हैं वो सीएम फेस होने चाहिए कोई कह रहा है आज़ाद साहब फे, फेस होने चाहिए अब होना ए, कौन फेस चाहिए और ये विरोधाभास है क्यों डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे क्या कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर फ़ायदा होने वाला है या नुकसान इस पर बातचीत करेंगे इसके अलावा सीएम फेस कौन होगा क्यों विरोधावास है जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्यों विरोधावास है कोई कहता है मीर सीएम फेस होना चाहिए कोई कह रहे हैं नहीं आज़ाद साहब जो हैं वो सीएम फेस होने चाहिए इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सलमान निज़ामी जो नेशनल स्पोक पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद अच्छा जो रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की से आई है इससे क्या फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को कि नुकसान होने वाला है देखिए नुकसान देश जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा क्योंकि जिस तरीके से डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ है उसमें पुंछ रजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा है अब ये तो कोई मुझे लगता है जिसकी समझ नहीं हो जिसकी सोच नहीं हो वही ये ऐसा प्रपोज कर सकता है जिसने ये प्रपोजल बनाया है अब रजौरी पुंछ जो है छ महीने मुगल रोड खुलता है और छः महीने बंद रहता है बर्फ़बारी होती है तो अब वहाँ का जो आम गरीब आदमी है अगर उसने सांसद से मिलना होगा तो वो क्या पैराशूट में जाएगा या जो सांसद वहाँ से चुन के आएगा चाहे रजौरी का हो या पुंच का हो या आ, या अनंतनाग का हो तो वो कहाँ से जाएगा अपने लोगों से मिलने के लिए और दूसरा जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू और श्रीनगर नहीं है। ये रूरल एरियाज़ की बात आप करेंगे हर्ष कॉन्स्टिट्युंसी में इन्होंने अलग अलग बितर कर दिया है एक गरीब आदमी को चार पांच पहाड़ क्रॉस करने फिर वो अपने विधायक से मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी जब हम हुकूमत में थे गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने नियाबतें इसलिए बनाई उन्होंने तहसीलें इसलिए बनाई उन्होंने डिग्री सॉरी डिस्ट्रिक्ट इसलिए बनाए ताकि लोगों को फायदा पहुँचे लोगों को तकलीफ ना पहुँचे आज आप देखिए डोडा एक ही डिस्ट्रिक्ट था आज रामन डिस्ट्रिक्ट बन गया है आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बना हमने बनाया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया ताकि रामन के व्यक्ति को गरीब इंसान को तकलीफ ना पहुंचे कि वो डोडा कब जाए रोड भी ख़राब हो जाता है बर्फबारी हो जाती है आज डिस्ट्रिक्ट रामन में ही है क्योंकि लोगों को तकलीफ नहीं है और अब इन्होंने तकलीफ देने का काम किया है जो गरीब लोग हैं वो कैसे अपने विधायक से मिलने जाएंगे वो कैसे अपने काम करवाएंगे नहीं तो विधायक पहले मिला करता था लोगों से जीतने के बाद बिल्कुल हम तो मिलते थे अब मुझे भाजपा का नहीं मालूम तभी शायद वो निकल रहे हैं या बाकी खरीदे हुए लोगों को ला रहे हैं लेकिन होता है हर कॉन्चुएनसी में एमएलए से मिलने लोग आते हैं लोगों के काम एमएलए ही करता है रिप्रेजेंटेटिव ही उनकी बात आगे पहुंचाता है अब जो गरीब आदमी है जिसकी इनकम 100 या 200 रुपए दिन की है वो कहां चार पांच पहाड़ क्रॉस करके अपने एम से मिलने जाएगा तो ये सोचना चाहिए इनको ये मुझे लगता है कि ये डर और खौफ है इनको कि अगर इलेक्शन हो गया तो भाई हमने तो हारना है इसलिए ये जहां जहां कांग्रेस मजबूत है जहां जहां बाकी विपक्षी पार्टियां मजबूत हैं इनको काटने का काम हम करेंगे ताकि लोग जो है इसी शगुफ़े डाल देते हैं मार्केट में और लोग इसी पर चर्चा करें हमारा दिन निकल रहा है नहीं तो ये रिपोर्ट आपको लग रहा है कि भाजपा भाजपा के इशारे पर बने हैं बिल्कुल इशारे भी बनी है और क्या बनी है वो तो आपने प्रूव भी कर दिया वो वीडियो क्लिप सामने आया है पार्टी के प्रेजिडेंट बोल रहे हैं उनके यहाँ तो तुम्हें ये दे दिया अगर हमें इतनी मजबूरी क्या थी हमारी स्टेट अगर खुशहाल थी जो कहते हैं अगर इन्होंने अच्छे काम किए थे नौकरियां दी होती इन्हें रोजगार दिया होता डेवलपमेंट की होती तो डिलिमिटेशन का तो टाइम ही नहीं था अभी अभी तीन चार साल थे डिलिमिटेशन को तो इन्होंने इतना जल्दबाजी में क्यों कर दिया ये हमने तो कहा है इनको कि आप कल इलेक्शन करवाइए देखते हैं कौन कितना पानी में है डर क्यों रहा इलेक्शन में डिलिमिटेशन में क्यों ये जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अपनी टांग वहां घुसा पाए हम हार रहे हैं ये जम्मू से बाहर जम्मू भी हारेंगे अगर इलेक्शन कल हुआ नहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं किसी धारा तीन सौ सत्तर भी हटाई उसके बाद अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है ऐसा तो नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान को षड्यंत्र रच रहा था और उस उनकी चालों को विफल करने के लिए सारी प्लानिंग की जा रही है देखिए तीन सौ सत्तर और आतंकवाद के बीच में कोई भी ताल्लुक नहीं है ये मैंने कई नेशनल डिबेट्स में बोला है पब्लिक मीटिंग्स में बोला है 370 जब था और उस वक्त मिलिटेंसी ज़ीरो भी थी जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू सूबे को जीरो मिलिटेंसी जोन डिक्लेयर कर दिया प्रोविंस। आपको याद है जम्मू प्रोविंस में जीरो परसेंट मिलिटेंसी थी हमने ख़त्म की लेकिन 370 था ना? कश्मीर में ऐसी कई डिस्ट्रिक्स हैं जहाँ मिलिटेंसी ज़ीरो कर दी थी हमने मिलिटेंट सरेंडर करते थे हमने उनको ऑप्शन दिया कि अगर आप सरेंडर करोगे हम आपको रोजगार देंगे बहुत से लोगों ने छोड़ दी मिलिटेंसी लेकिन क्यों बढ़ गई आपने ही दावा किया था कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी अरे एक महीने के बाद बहुत से भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट करते थे कहते थे अब एक महीने के बाद देखो आतंकवाद खत्म होगा कश्मीर में हर रोज हम सुनते हैं और इनको शर्म नहीं आती है डेटा लाते हैं अरे हमने इतने आतंकवादी मार दिए अरे तुम तो कहते थे कि हम एक महीने में सब आतंकवादी खत्म हो जाएंगे तो ये पैदा कहाँ हो रहे हैं आज स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई आप नाच रहे हैं स्टोन पेल्टिंग खत्म होगी लोग पत्थर छोड़ के बंदूकें उठा रहे हैं क्या ये डेंजर इनको लग नहीं रहा है सिविलियन मारे जा रहे हैं एक सिख प्रिंसिपल मारी गई कश्मीरी पंडित मारा गया एक मुसलमान मारा गया तो ये दिख नहीं रहा है तीन सौ सत्तर हटाने के पीछे क्या कारण क्या क्या उद्देश्य है इनका ये एक प्रपोगंडा है देखिए जैसे अभी हिजाब कंट्रोवर्सी आ गई सबको मालूम है देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि कोई भी पहनावा पहन सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये इस तरीके से इशूज लाते हैं ताकि तीन ऐसा लगे कि तीन जब था कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में था और बाकी बात ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज एक शगुफ़े छोड़ने में बहुत मशहूर है तो ये लोगों का माइंड ऐसा बनाना चाहते हैं लोगों को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई कश्मीर तो पहले पाकिस्तान था तीन सौ सत्तर एक जो है एक हडल था और उसको हमने हटा दिया हम कहते हैं कि अगर तीन सौ सत्तर का हटाने का कोई फ़ायदा आपको मिला होता तो हमें बताइए आप जम्मू के रघुनाथ बाजार में जाइए पूछिए दुकानदार से क्या फ़ायदा हुआ उसको कश्मीर के किसी दुकानदार से पूछे क्या फ़ायदा हुआ दरबार मुँह ख़त्म कर दिया कल मैं एक एक, एक दुकान में बैठा था उसने कहा जनाब मंदा है आज सीजन था जम्मू में जम्मू का दुकानदार खुश होता था कि कश्मीर से लोग आते हैं दरबार मुंह के मुलाजिम आते हैं उनकी फैमिली आती है हमारी इकनॉमी को बूस्ट मिलता है आज जम्मू में सन्नाटा है दुकानें मार्केट खाली हैं तो ये हम पीछे हुए कि आगे हुए तो आज लद्दाख के लोग आते थे विंटर्स में यहाँ कितने हजारों की तादाद में लोग आते थे आज वो हमसे अलग हो गए जम्मू तो पीछे हो गया ना, कश्मीर ये दावा करते थे कश्मीर में अब महल बनेंगे शादियां होंगी वो होगा इन्होंने पार्लियामेंट में रिसेंटली कहा कि कश्मीर में सिर्फ एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी है तीन सौ के बाद सिर्फ एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी है कौन रहेगा वहां हम रहने से डरते हैं कौन जम्मू का आदमी जो है वहां कश्मीर में जमीन खरीदेगा इन सिक्योरिटी है ये ऐसा भी कहते हैं कि धारा तीन हटने से पहले हटाने से पहले यहाँ देशभक्तों की सुनवाई नहीं थी उनको तो जेलों में डाल दिया जा रहा था रणनीतियाँ कुछ इस तरह थी और इस तरह के ऐसा लगा आपको यहाँ पर देखिए देश भक्त कौन है अब मुझे बताइए देशभक्त वो है जिसने आर्मी की जमीन हड़पी है हुँ. किसी अब इन्होंने अब्दुल्ला मुफ्ती कितनों को इल्जाम लगा दिया रहे इन्होंने लूटा है जम्मू कश्मीर को इन्होंने ज़मीनें खाई हैं सामने कौन आया एविडेंस किसका आया सामने जे ने तो क्या फारूक अब्दुल्ला को बोला कि तूने जमीन सरकारी खाई है क्या महबूबा मुफ्ती को बोला कि तूने जमीन सरकारी खाई है क्या गुलाम नबी आज़ाद को बोला कि आ, मैं नोटिस इशू करता हूँ आप जमीन यहां से खाली करिए इन लोगों ने लूटा पी के साथ मिलकर अभी भी वही काम कर रहे हैं तभी ये चाहते नहीं इलेक्शन आए क्योंकि इनको पता है हमने हारना है अगर हम हार गए तो हम कैसे लूटेंगे जम्मू कश्मीर को कांड तो इनके सामने आ रहे हैं जो आर्मी की जमीन पे इन्होंने कब्जा किया था तो शर्म की बात है इनको जो जूते मारने चाहिए ये क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो आर्मी की जमीन को कब्जा बनाए बैठा है अपना महल खड़ा कर दिया वहां तो ये देशभक्त हैं जो आज यहां यहां युवा जो बीएसएफ के युवा हैं उन पे पर लाठियां बरसा रहे हैं ये नहीं तीन से पहले देशभक्तों की आवाज दबाने का काम नहीं होता था यहां पर नहीं देशभक्त अगर देश के का विरोध कोई करता था कितने लोगों को जेलों में डाला है इन्होंने तो सरकारें बनाई उनके साथ सजाद लोन कौन था क्या वो देशभक्त था उसी ने तो जे उसके तो फादर इला ने तो जेके अलग बनाई सेपरेटिस्ट था वो उसका भाई तो अभी भी सेपरेटिस्ट है गले कौन मिला उनके साथ यही भाजपा के डिप्टी सीएम मिले यहां आपके जम्मू के ऑडिटोरियम में जफियां शफियाँ हो गई उनके साथ क्या डे दे, ये दे, दे, दे देशभक्ति का यहां पाठ पढ़ा रहे हैं हमें नहीं चलो ये तो भाजपा की नीतियों के ऊपर बात हो गई लेकिन आपकी पार्टी के अंदर विरोधाभास बहुत है कोई कह रहा है जी मीर साहब जो है वो सीएम फेस होने चाहिए कोई कह रहा है आज़ाद साहब फेस होने चाहिए अब होना कौन फेस चाहिए और ये विरोधाभास है क्यों देखिए हमारी पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास रखती है हमारी पार्टी में कुछ नेताओं ने आवाज़ उठाई और हमारे हाईकमांड ने उस आवाज़ को एक्सेप्ट किया सुना ऐसा नहीं जो भाजपा के लोग करते हैं कि अमित शाह और मोदी हैं और कोई नहीं है अडवानी को तो स्टार कंपेनर नहीं बनाया ना आज़ाद साहब तो स्टार कंपेनर हैं आज़ाद साहब की तो बात भी मानी कि हम इलेक्शन करवाएंगे कांग्रेस में तो ऐसा नहीं होता ना अब इलेक्शन जब आएगा उस वक्त डिसाइड करेगी पार्टी किसको सीएम फेस फेज बनाना है आज़ाद साहब तो ऐसी शख्सियत है वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते नहीं है नहीं। वो मीर साहब की इलेक्शन की सभाओं में भी गए वो पूंछ भी गए रजौरी भी गए जो विरोध करते हैं उनको भी वो मीठी मीठी बातें करते हैं प्यार से बात करते हैं आज़ाद साहब ऐसी शख्सियत नहीं है चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो जो उनके ऑफिस में जाता था सबका काम होता था वो कभी ही नहीं देखते थे कि कोई हिंदू है कोई बीजेपी का है इसीलिए बीजेपी वाले भी उनका एहतराम करते हैं इज्जत करते हैं सम्मान करते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उन्होंने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया उन्होंने कभी नहीं देखा कि अगर मैंने मेडिकल कॉलेज देना है तो ये भाजपा की स्टेट है या कांग्रेस की स्टेट है उन्होंने छ हालांकि इलेक्शन के टाइम पर उनको हराया भी गया जहाँ जहाँ हारे वो वो फिर भी उनके पास गए शुक्रिया अदा करने के लिए ये तो जीतने के बाद भी कभी जाते नहीं लोगों के पास तो आज़ाद साहब पे जो सवाल उठा रहे हैं उनको पता नहीं है आज़ाद साहब जो जिनका जो उनका कद है आपने देखा इलेक्शन जो जो स्टार कंपेनियस की लिस्ट आई उसमें मनमोहन सिंह सोनिया गांधी प्रियंका गांधी राहुल गांधी और उसके बाद आजाद साहब का नाम आया हालांकि प्रोटोकॉल यह कहता है कि हाई कमांड के बाद सिटिंग सीएम्स का नाम हो लेकिन सिटिंग सीएम के नाम के ऊपर आजाद साहब का नाम आता है तो ये तो उनका रुतबा है पार्टी में नहीं तो सवाल कोई बाहर के लोग नहीं उठा रहे हैं बाहर के नेता नहीं उठा रहे हैं वो तो आपकी पार्टी के नहीं कोई नहीं उठा रहा है देखिए जो यहाँ जीतने वाले लोग हैं कुछ जे एंड के, के आज में जिन्होंने जीता है और जिनको जीतना है उनको भी पता है कि आजाद साहब के बगैर हम जीत नहीं सकते अगर मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि इलेक्शन आएंगे आज जो विरोध भी कर रहे हैं ना वो आजाद साहब को मैंने देखा है आजाद साहब के साथ रहते हुए जो लोग तब विरोध करते थे वो रिक्वेस्ट ही करते थे हमें अरे आजाद साहब को बुलाओ हम हार रहे हैं अगर आजाद साहब नहीं आएंगे तो हम आ, जीत नहीं पाएंगे तो सीएम फेस जो है वो आजाद वो आजाद साहब पे डिसाइड होता है देखिए वो नेशनल लीडर है वो दिल्ली में जिम्मेदारी लेंगे या जे में वो उन पे है क्योंकि वो तो इस लेवल के लीडर नहीं है ना कि उनको बस जे ही जो है पावर चाहिए अगर पार्टी उनको कोई नेशनल पोजिशन देती है नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे उन्होंने कभी सत्ता की लालच नहीं देखी उन्होंने तो हमेशा लोगों का सोचा नहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के तारीफ करने की वजह से कोई पार्टी को नुकसान हो रहा है और आज़ाद साहब को उनको भी प्रमोट करना ही पड़ रहा है क्योंकि दूसरा कोई मार्ग छोड़ा नहीं गया नहीं नहीं देखिए इस देश की खूबसूरती ये है लोकतंत्र की खूबसूरती ये है अब वाजपेयी और नेहरू का रिश्ता क्या था वो सबको पता अभी तारीफ करना जो आदमी तारीफ के लायक होगा उसी की तारीफ होती है जिसने काम किया होगा उसी की तारीफ होगी आलोचना करने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन तारीफ उसी आदमी की की जाती है अब यहाँ वाजपेयी जी हैं कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं जिन जो उनको रिगार्ड करते हैं क्यों क्योंकि वो उस लाइक थे मैं भी बहुत रिगार्ड करता हूँ वाजपेयी जी को मैंने काफ़ी सुना है उनको कभी मिलने का मौका नहीं मिला लेकिन इसमें यह इतनी नीची राजनीति नहीं करनी चाहिए कि भाई उसने तारीफ कर दी वो ऐसा कंट्रीब्यूट किया था।, था वो हादसा हुआ था आजाद साहब वैसे व्यक्ति हैं जो कुठवा में भी जाते हैं उतनी तादाद में लोग उनको सुनने आते हैं जितना वो कश्मीर में जाते हैं उतने ही हिंदू उनके वेलविशियर हैं जितने उनके मुसलमान वेलविशियर हैं नहीं है। नहीं। उनकी एक्सेप्टेंस ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में है बल्कि थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्टेंस चलो मेरा अंतिम सवाल कि इलेक्शन में अब जब इलेक्शन आएगी तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है कांग्रेस धर्म और जात के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती कांग्रेस ने जो काम किए हैं जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं चाहे हमने पहाड़ों को चीर के चीर के सड़कें बनाई चाहे हमने मेडिकल कॉलेज बनाए चाहे हॉस्पिटल्स बनाए चाहे हमने डिग्री कॉलेज बनाए चाहे यूनिवर्सिटीज़ बनाई चाहे डिस्ट्रिक्स दिए तहसीलें दी जो हमने काम किया हम वही काम लेके लोगों के बीच में जाएंगे और आज़ाद साहब ने भी जो टूर किया था उसमें भी आज़ाद साहब ने ये बोला कि जो हमसे छीना गया हम वापस लाएंगे ये इनके हाथ में नहीं है जो ये पार्टियाँ शेख चिल्ली के ख्वाब देखती हैं और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं अरे तीन हम लाएंगे कैसे लाएंगे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है महाराष्ट्र में है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस राजस्थान में है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हिमाचल में है कांग्रेस ही तो ला सकती है वो चीज़ें जो हमसे छीनी गई इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि ये बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं इन्होंने हमेशा कश्मीर में एक बात की कश्मीर में एक नारा दिया दिल्ली में दूसरा नारा उनको खुश करने के लिए एक नारा आज भी ये वही काम कर रहे हैं आज भी यही बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कश्मीर में एक बात करते हैं बीजेपी को खुश करने के लिए दूसरी बात करते हैं इसलिए आज़ाद साहब ने भी यही कहा हम सब ये कहते हैं कि हमें जो हमसे छीना गया वो वापस मिले और हम डेवलपमेंट चाहते हैं हम नहीं देख सकते इन युवाओं को जो बी के नौजवान हैं इनको सड़कों पर हम नहीं देखना चाहते हम नहीं देखना चाहते कि इन पर लाठियां बरसाई जाएं क्या यही देशभक्ति है भाजपा की उनको कैसे ये एहसास नहीं हो रहा कि ये लोग तो बीएसएफ जिसके नाम पे आप इलेक्शन लड़ते हो आर्मी के नाम पे आपने पूरे देश में कहा कि अरे आर्मी ये पोस्टर छपे यूपी के चुनाव में और आज उन पर लाठियां बरसा रहे हो तो इसलिए कांग्रेस हमेशा अपने कामों के बुनियाद पर लोगों के सामने जाएगी और यही उनको बताने का काम करेगी कि हमने जो काम किए हमें आगे भी मौका दिया जाए ताकि हम वही काम पूरे करें जो अभी भी हमसे नहीं हो पाए इस आ, बीजेपी के दौर में कोई नुकसान आपको नहीं लग रहा इस रिपोर्ट से डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है इससे कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं नुकसान देखिए हम मजबूत हैं हर जगह नुकसान जो कांग्रेस को नहीं होगा नुकसान गरीब आवाम को होगा देखिए जहां 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 कांग्रेस मजबूत है अब रजौरी का आदमी होगा वो अगर कांग्रेस को चाहता है वो वोट देगा लेकिन तकलीफ उसको होगी जब उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलना होगा जब उसको अपने विधायक से मिलना होगा और जब उसको अपने सांसद से मिलना होगा उसको पता नहीं किस मुसीबत में बर्फ में बारिश में पहाड़ों को क्रॉस करके अपने विधायक से मिलने के लिए जाना पड़ेगा हम तो कहते हैं हम इस दौर में भी चाहे डिलिमिटेशन हो ना हो हम फिर भी लोगों के बीच में जाएंगे और जीत के आएंगे ये कल इलेक्शन करें मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कल इलेक्शन करें और फिर देखें आप मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर बीजेपी जे में आई चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करें थैंक यू तो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से आई है इससे आम जनता को नुकसान होगा आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक समाचार मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाजत नमस्कार